नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों। देश भर की भांति उमरिया जिले में भी पितृपक्ष की शुरुआत आज से हुई है, जो आगामी 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन किया जाएगा। वही जानकारों एवं गुरुजनों के जानकारी देते हुए बताया कि पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष प्रतिपदा श्राद्ध आज से शुरू हो रहे हैं, जो कि आगामी 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। पितृकृत का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पुरुषों को यह बताया जाता है कि आज भी वह परिवार का हिस्सा है। पितृपक्ष में पुरुषों का आशीर्वाद लेने घर में सुख शांति बनी रहती है और अगर पूर्वज नाराज हो जाए तो काफी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में कुछ कामों को करने से बचना चाहिए ताकि पूर्वज नाराज ना हो एवं पितृपक्ष में कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जहां इस दौरान मांगलिक कार्य ना करें। इन दिनों में नए कपड़े भी ना खरीदें, बाल ना कटवाएं, तामसी भोजन से बचें एवं पितृपक्ष में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि आश्विन माह की अमावस्या को सभी पूर्वजों को ध्यान करके उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध से वह प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का शुभ समय कुतुब मुहूर्त और रोहिणा मुहूर्त होता है। इन दोनों शुभ मुहूर्त के बाद अपराह्न काल समाप्त होने तक भी मुहूर्त चलता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, जिसमें सूर्य की तरफ मुख करके घास की कुशा से देते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों खिलाया जाता है, इसका भी बड़ा महत्व है एवं इन पांच जीवों को भोजन दिए बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है और श्राद्ध करने से पितरों की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। अपने पुरखों का, गुरुओं का श्रद्धांजलि उनको जल दिया जाता है और उनका जिस दिन दिन तिथि पड़ती है उस दिन ब्राह्मण, गौ, चिड़िया, भूख प्यास वालों को यानी भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। ये पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है इसका, इसीलिए इन दिनों उनका बहुत महत्व। ये 15 दिन जो होते हैं ना, ये पितृपक्ष की ये धर्म की पुण्य के होते हैं, जो इसका जो भगवान ने 15 दिन रखे हैं, इसका दान करने से 10 गुना प्राप्त होता है। जैसे पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, पितृपक्ष में पितृ को खुश करने के लिए और पितृ दोष से मुक्त होने के लिए साल भर में एक बार पर्व आता है। इन दिनों में घर की साफ सफाई करनी चाहिए, अपने घर में सुंदर वातावरण बनाकर रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान व्यंजन बना करके छत में कांसे के थाली में रखना चाहिए, जल रखना चाहिए ताकि पितृ आए कौए के रूप में उसे पान करें और जो पान करते हैं तो खुश होकर के हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, साल भर हमारा जीवन सुखी में बना रहता है। जिसमें विश्व, पूरा विश्व जाता है, देश विदेश हर कंट्री से लोग जाते हैं अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए। यदि हम किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही गंगा जल लेकर के और उन्हें चिंतन करते हुए, याद करते हुए घर पर ही तिली लेकर के, चावल लेकर के, सुंदर व्यंजन बनाकर उन्हें हाथ से जो है सो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष में आज जो है परिवार के दिन से पितृपक्ष जो है चालू हो जाता है। ये 15 दिन चलता है। इस पितृपक्ष के जो है तो पर्व में गया जी और बद्री नारायण में जो है सो अपने पूर्व जी जो स्वर्ग को सुधार गए हैं उनका पिंडदान होता है और इस पितृपक्ष के जो है 15 दिन में उनको मोक्ष की प्राप्त होती है। इसलिए जो है अपने हिंदू धर्म में जो है तो सब जो है भाई बहन जो है तो पितृपक्ष गया जी जाते हैं और बद्री नारायण में जो है वहाँ उनके अपने पूर्वजों का जो है ये संसार छोड़कर चले गए हैं उनका जो पिंडदान होता है, इस मुक्ति होती है और ये संसार सागर से जो मुक्ति हो जाती है और जो स्वर्ग को सुधार जाते हैं। इस दिन जो है सो सवेरे जो है तो अपने अपने घरों में जिनकी जो है जिनकी श्राद्ध होती है घर में तो पितृपक्ष बैठाया जाता है और बैठा के फिर जो पूजा पाठ किया जाता है। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और जो भी हमारा हिंदू समाज है वो सब पितृ के लिए जल तिली से उनको पितृ जल देते हैं और
जो गया जाते हैं, गया मैं अपने जा करके पुरखों का पितरों का पिंडदान करते हैं, और ये हम लोग वह नहीं कर रहे हैं। जानकी मैया स्वयं दशरथ जी का, जब रामचंद्र जी कहानी सभी जानते होंगे, थोड़ा विलम्ब हुआ तो जानकी मैया खुद पिंडदान की थी अपने ससुर जी का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा करे कि बेटी करे, सबके लिए होता है, बहू बेटी बेटा सब समान होते हैं। और हमारा हिंदू धर्म जो है ये सब चीज़ों को मानता है, मानता है तो मिलता भी है। हमारे पितरदेव खुश होकर के हमको आशीर्वाद देते हैं और हमें सुख शांति प्रदान करती है, और इनको अच्छा पकवान व्यंजन खिलाना चाहिए, जल रखना चाहिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो नारायण के रूप में आते हैं और हमको आशीर्वाद दे जाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पितरों के नाम से दान। पक्ष को आप सबने सुना होगा कि राजा कर्ण हुआ करते थे, जो अपने काया को तेल में पका करके सवा मन सोना प्राप्त होता था उनके गुरु और माता की कृपा से, और सवा मन सोना बैठ करके दान किया करते थे जनता को। वो राजा कर्ण का समय आने पे गोलोक को प्रस्थान हो गया, और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद राजा कर्ण को जिस समय प्यास लगी, जिस समय उनको भूख लगी, जिस समय उनको नींद लगी, जिस समय उन्हें कोई भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने याचना किया वहाँ के रखवालों से, तो उनके समक्ष केवल सोने की सिल्ली ला के रख दी जाती थी, सोना ही सोना दे दिया जाता था। राजा कर्ण ने कहा कि भाई ये सोना हम कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, सोना खा पी करके नहीं जीवित रहते हैं। तो वहाँ पर धर्मराज के यहाँ से उनको आदेश में बताया गया कि कर्ण तुमने जीवन में स्वर्ण ही दान किया है, ना किसी को भोजन कराया है, ना किसी को वस्त्र दान किया है, ना कि कोई कूप तालाब बावली बनवाया है, ना कोई जलाशय आपने तैयार करवाया है, जिसके कारण आपने जो किया है जो दान दिया है वही आपको फल में प्रतिफल में मिल रहा है। राजा कर्ण ने अपने निवेदन करते हुए धर्मराज के यहाँ इंद्र के यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मुझे 15 दिन का अवसर दिया जाए कि मैं एक पुनः मृतलोक में जा करके जो कार्य नहीं किए हैं अच्छे वो कार्य करके मैं आ जाऊं। तब राजा कर्ण को मृतलोक में अवतार हुआ, और राजा कर्ण पुनः आ करके राजा कर्ण ने अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, अपने पितरों का अपने पूर्वजों का याद किया, उनको आवाहन किया, हवन इत्यादि करते हुए सारे कार्य को किया, और ये कार्य संपन्न करने के बाद में राजा कर्ण का जब यहाँ से पुनः गोलोक को पधारना होता है तो उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद और उनके द्वारा जो चूक हुई थी दान करने में वो पूर्ण हो गई। इस कारण से तो हम सब जीव, ये है जीव आत्मा है ईश्वरंश जीव अविनाशी। सब तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे में लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने तो सभी को प्रणाम कर दिया है, तो सब में परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। सभी के लिए 15 दिन हम धर्म करें, दान करें, दया करें, और लोगों से मिलें, अच्छा प्रेम करें, अपने पूर्वजों की याद करें, पूर्वजों के लिए जो बन सकता है उनके अगर स्थान मुक्ति धाम जा सकते हैं वहां कार से अपने घर पर एक लोटा जल उनके नाम से दें, सूर्य भगवान को अर्पण करें, अपने द्वार पर पुष्प सजावट सुबह करें और शाम को करें। ये सारी क्रियाएं करने से हर परिवार में हर जन में सुख शांति की प्राप्ति होगी।